9343 4003 3063 जी 9340030603 जी। क्या नाम बताया इसका? एक मैंने उसको बोला था। नहीं, इसका नाम क्या है नंबर वाले का? अलक मिश्रा नाम है। मैंने जब इनको बोला कि मैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं सावधान इंडिया करके, मैं उनको अगर आपकी कंप्लेंट करूंगा तो वो कह रहा था कि अगर ऐसा कुछ करते हो तो अपना पैसा भूल जाना, उसने ये भी कहा था। चलो ठीक है, लाइन पे रहना है। नमस्कार, जय जोहर, मैं हूं श्याम पटेल। अब आप मन देखा तो अपने यूट्यूब चैनल सावधान छत्तीसगढ़ और सावधान छत्तीसगढ़ आप मतलब हमेशा सजग सहज बनाए रखे बोलते और हमेशा बोलत रही। तो संगवारी हो, मैं यहाँ पिछले वीडियो में बता रहे हूँ कि आप मतलब अलेक मिश्रा और यश कुमार के बारे में। तो दरअसल वो दिन का बात हो रही है, तेन बात बताया बार आज मैं आप मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल वॉइस रिकॉर्डिंग सुना हूँ। तो आप मन ये वॉइस रिकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस कॉल के सुना, तेकर बाद में आप मन कमेंट करके बताओ कि का गलत है का सही। ये कॉन्फ्रेंस कॉल में वो हर एक चीज़ एक्सेप्ट करे हैं। आप मन ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो। हेलो, जय जोहार। जय जोहार, मैं श्याम पटेल बोल रहा हूँ सावधान छत्तीसगढ़ से। हेलो, हाँ, मैं श्याम पटेल बोल रहा हूँ सावधान छत्तीसगढ़ से। जी बताइए। जी, आपने किसी का पैसा लिया है क्या? किसका? किसी का भी? अच्छा, मेरे साथ हैं। अच्छा, हेलो भैया, कौन हो? हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश कुमार है। जी यश कुमार जी, अरे जो जिसका नंबर दिया हो उसका नाम क्या है? अलक मिश्रा। अलक मिश्रा जी, ये नंबर आप ही का है अलक मिश्रा जी? जी 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 जी, आप बताइए जो यश मिश्रा जी का जो नंबर है ना, आप उनसे पैसा लिया सर? किस काम के लिए? आप बताओ ना सर, किस काम के लिए लिए? आप बताओ ना, मगर फोन आप लगाए हैं। अच्छा यश जी, किस काम के लिए पैसा लिए थे? फिल्म में काम करने के लिए। हाँ, फिल्म में काम करने के लिए। डेढ़ साल पहले तब से ना फिल्म शुरू करे ना, मेरा पैसा वापस दे रहे। आपका नाम क्या जिन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है? मैं श्याम पटेल। छोड़ो, मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो ये बताओ पहले। मैं तो जो कॉन्फ्रेंस किया मैं जवाब, मैं श्याम पटेल बोल रहा हूँ। श्याम पटेल जी 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 जी, बोलिए। डेढ़ साल पहले की बात है ना? जी जी जी, कभी की भी बात। तीन महीने से मैं आपको रेगुलर फोन कर रहा हूँ। जी नहीं नहीं ठीक है, वो कितना कब से फोन करूँ अलग मैटर है। तीन डेढ़ साल पहले की बात है ना? जी जी जी। तो डेढ़ साल में पूरा एक साल कोरोना में चला गया, उसमें दुनिया में कोई काम नहीं हुआ है। आप लोगों का जो काम है वो काम आपको प्रोसेस पे आ चुका है। जी जी जी। कहाँ प्रोसेस में आ चुका है? कहाँ प्रोसेस में है? कब से कह रहा पैसा वापस देने के लिए? नहीं, अब आपको रिटर्निंग चाहिए कि काम करना है, ये पहली बात है। मैंने बोला था मैं तीन महीने से कह रहा हूँ मुझे काम नहीं करना, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। आपने क्या बोला था कि मैं पैसा दूंगा ही नहीं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि कैसे नहीं। अच्छा, सुनिए ना सर, सुनिए, मैं बीच में आ रहा हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, कौन हो आप? अलेक जी, ये जितना बात हो रहा है ना वो सब वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। वही बात कीजिए, वही बात कीजिए। वही बात कर रहा हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। डेढ़ साल पहले की बात है। जी ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि डेढ़ साल के बाद एक साल आप भी देखे हो, हम भी देखे, सारी दुनिया देखी, कहीं कोई काम नहीं चला है? चला है सर, आप थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। छत्तीसगढ़ में चोरी छुपे बहुत, चोरी छिपे ना, चोरी छिपे तो बहुत काम होता है महाराज। हाँ तो महाराज, काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। अभी देखो फिल्म रिलीज हो गया, फिल्म रिलीज हो गया, दो फिल्म रिलीज हो गए, सब हो गया। मुझे भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है। क्या जानकारी चाहिए आपको? नहीं, आपको जानकारी क्या चाहिए मैं बता रहा हूँ। जी, लोग चोरी छिपे काम के, उन लोग काम कर लिए, बना लिए, उन लोगों के पास अपना प्रोड्यूसर होगा या अपना पैसा होगा। आपकी कौन सी? सुनिए सुनिए, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अच्छा सुनिए, किसने क्या काम किया वो सब छोड़ो, ये बताओ। मैंने आपको क्लियर तीन महीने से बोल रहा हूँ दिवाली से पहले से कि मुझे काम नहीं करना, मेरा पैसा वापस दो। आपने दिवाली के बाद से मुझे बोला 26 तारीख, 25 तारीख, पैसा क्यों दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। आपने मुझसे क्या बोला था लॉकडाउन के टाइम पर? क्या बोला आपने? लॉकडाउन के टाइम क्या बोला कि मेरा पैसा आपके अकाउंट में सेफ है? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, सर सर। जब हेलो हेलो हेलो, सावधान छत्तीसगढ़ क्या है आप? जी, जब ये दिए थे तब आपसे पूछ के दिए थे या ये किसी से पूछ के दिए थे या ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करके दिए थे या अपनी इच्छा से आके दिए थे कि मैंने इनके ऊपर प्रेशर दिया था कि आप दो नहीं तो आपको खून कर दूंगा? इनको सौंप चढ़ा था ना भूत बनने, हीरो बनने का? ऐसा कुछ नहीं कर रहे। सुनिए ना सर, वापस नहीं दोगे क्या? सुनिए ना यस भाई, यस भाई, बोला कि नहीं देंगे? यस, हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सुनो मेरी बात, सुनोगे सर? जी जी। आप कब से स्टार्ट कर रहे हो अपनी फिल्म?
जी मेरा प्रोसेस है, मेरे को लगेगा दो तीन महीने। नहीं प्रोसेस है क्या, क्या मतलब, कौन सी मूवी है आपका जी, कौन सी मूवी है आपका, मूवी का नाम क्या? टाइटल फाइनल नहीं, अभी टाइटल फाइनल नहीं है। तो एक एक साल से आप क्या कर रहे थे, घंटा मरा रहे थे यहाँ पे? नहीं टाइटल टाइटल जो था वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, ये बताओ लेफ्ट हुआ है उसके बाद टाइटल। अच्छा ये बताओ क्या 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 टाइटल था उसका, मूवी का क्या टाइटल था? पंचायत पंचायत था ना, पंचायत वही जो हिंदी का रीमेक बना रहे थे क्या? क्या चीज हिंदी में एक आया था, क्या आया था, वेब सीरीज आया था पंचायत करके, आपको पता है? नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो बहुत बाद में आया, मेरी कहानी पहले से तैयार। हाँ तो क्या बना रहे हो आप, एक साल से उसमें आप ये टाइटल फिक्स नहीं कर सके? महाराज तो एक साल आप गजब बात कर रहे, एक साल नहीं, काम ये बताओ, ये बताओ मेरी बात बताओ, एक साल में 10 फिल्म रिलीज हो जाती है एक बंदे की। अच्छा एक बात बताओ, आप कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं कॉन्फ्रेंस आपको, जवाब क्या चाहिए आपको ये बताओ? मेरे को जवाब ये चाहिए कि अगला बंदा से आप पैसे लियो तो काम क्यों नहीं कर रहे हो? काम क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक? आप ये टाइटल फिक्स नहीं, सुनिए सुनिए, कितना पैसा दिया है उसे, कितना पैसा दिया यश जी, कितना पैसा दिया हुआ? अभी उनके पास मेरा 40,000 रुपए पूरा उनके पास पड़ा हुआ है, जो मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे नहीं करना है, मेरा पेमेंट वापस कर दो, बात खत्म है। अच्छा आप उसको कैश दिए थे? सुनिए सुनिए सुनिए, आप उसको कैश दिए थे? सुनिए सुनिए, सवाल का जवाब लेते जाओ, सुनिए सर, सुनो एक एक सवाल का जवाब लेते जाओ। 40 दिया है ठीक है, 40 में दुनिया में कोई पिक्चर नहीं बना सकता पहली बात, दूसरी बात 40 में कोई हीरो नहीं बनता, बात सुन लो पहले पुगे आप ठीक तो है, आप लिए क्यों 40 लिए क्यों, सुनो पहले तो लाख 5 लाख ले लेते लिए क्यों, अगर उसके 40 में उसकी निकल गई प्राण, उसके 50 लाख की बात कर रहे हैं, पूछ लो। अरे भाई तो आप लिए क्यों, 40 ही क्यों लिए, लिए क्यों आप, और आप बोले ना कि आपके पास मेरा पेमेंट पड़ा हुआ है। हेलो सुनिए ना सर, आप ये क्यों, ये पिछले 3 महीने से बात, सुनिए सुनिए आपकी बात, 3 महीने आपने जितना बोल रहे हो ना सर, एक तो आप पैसा लिए हो ठीक है, हाँ। और मैं पैसे लेने के पूरा खिलाफ हैं हम सावधान छत्तीसगढ़ वाले, ठीक है ना? चलिए ठीक है, ठीक है सर। मैं गाड़ी चला रहा था, जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया हूँ, अगर आपको बात करना होगा तो 1 घंटे बाद कॉल कीजिएगा। क्यों कॉल करें, सुनिए अभी अभी सुनिए सुनिए सुनिए, ये वॉइस ना, तो संगवारी हो आप मन सुना वॉइस रिकॉर्डिंग में, वॉइस रिकॉर्डिंग में वो हर एक चीज़ ले एक्सेप्ट करते थे कि वो पैसा ली से, और बताओ रोहा ये भी बोला थे कि सावधान छत्तीसगढ़ कौन हो क्या हो, और कई प्रकार के बात है वो सब चीज़ बतावा थे। अब मैं आप मन से ये जानना चाहूँ कि एक साथ में करना का चाहिए, और दूसरी चीज यश कुमार एक वीडियो बना के दे हैं, वो वीडियो अभी आप मन सुनिए, अगले वीडियो में कवर किए, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ था तो फिर लंबा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करें, तिगर से थी अगला वीडियो में मैं आप मतलब बताऊँ सावधान छत्तीसगढ़ के यश कुमार जी कहना का चाहते हूँ। तो संगवारी हो आप मन देखते रहो, बने रहो सावधान छत्तीसगढ़ में, जय जवाहर। अच्छा भाई हेलो, हाँ वो काट दिया कार्ड, ठीक है अब तो हाँ, पूरा इन्फॉर्मेशन बता, कल के कल ये यूट्यूब पे आ रहे हैं, बता पूरा इन्फॉर्मेशन बता। हुआ ये था 1.5 साल पहले, एक्चुअली मैं गलत फहमी में फंस गया इनके साथ, एक अलख मिश्रा और अलख चौधरी जी, इन दोनों नाम के कंफ्यूजन में मैं फंस गया कि कौन कौन है जी, मुझे लगा ये अलख चौधरी वो मतलब अलख मिश्रा वो वाले अलख हैं जो सतीश जैन के साथ काम करते हैं जी। उसके बाद मैंने इनको कांटेक्ट किया, इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है 1,20,000 कुछ बोला इन्होंने मुझे, 1.5 लाख के लिए बोला था, मैंने कहा सर इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता सॉरी, मैंने साफ मना कर दिया, मैंने सर जब मेरे पास होगा तब मैं करूंगा, अभी मैं नहीं कर सकता जी। तो उसके बाद इनका कॉल आता नहीं, मैसेज करने लगे मुझे कि नहीं आप करो, आपके किस्मत में हीरो बनना लिखा है जी, और कहता कि ऐसा करो आप ना 60,000 रुपए इसका अरेंज करो जी। मैंने कहा सर 60,000 मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, कह रहे कम से कम 20 अभी दो, बाकी ना शूटिंग चालू करेंगे तब देना जी। फिर मैंने जानबूझ के इनको कैश नहीं दिया, मैंने ऑनलाइन अकाउंट से दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरीके का फ्रॉड होता रहता है, इसलिए मैंने जानबूझ के कैश नहीं दिया, क्योंकि कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता जी। इसलिए मैंने अकाउंट से ट्रांसफर किया, इनको अंबिकापुर जाके मिला, वहां एक रात रुका, इनको कॉन्टेक्ट साइन किया जी। उसके बाद क्या नाम है, मैंने इनको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, एक रात होटल रुका, फिर मैं वापस अपने घर आ गया था जी, जी। फिर इनको मैं काफी दिनों, इन्होंने कहा कि जो हम है 15-16 तारीख को शूटिंग, मतलब 1-1.5 महीने फिल्म शुरू कर रहे हैं, इन्होंने मुझे फिक्स डेट दे दी। फिक्स डेट दी तो भाई देखो मैं भी फिक्स डेट कब का दिया था, फिक्स डेट कब का दिया, ये पिछले समझ लो 2019 के आसपास इन्होंने अगस्त का टाइम दिया था मुझे, फिक्स पता नहीं है आपको,
हाँ उसके बाद मैंने जब इनको बोला, फिर डेट दे दी कि हाँ भाई हम चालू कर रहे हैं, फिर इन्होंने कहा कि मेरा जो कैमरामैन है उसके पिताजी खत्म हो गए, तो इस वजह से शूटिंग रोकनी पड़ रही है। मैंने ठीक है, उसके बाद कुछ दिन इन्होंने मौसम का बहाना बनाया, चलो ठीक है मौसम का खराब था। उसके बाद इनको बोला गया शूटिंग शुरू कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे से फिर 20,000 रुपए दोबारा मांगे कि हम शुरू कर रहे हैं, फिक्स डेट दे दी। मैंने ठीक है, तो मेरे उस टाइम कुछ लोन्स भी चल रहे थे फोन्स के बाइक्स के, तो मैंने सोचा यार चलो इनको तो मैं पैसे दे ही रहा हूँ, एक लोन और उठा लेते हैं, तब तक जब तक मेरी फिल्म की शूटिंग तैयार होगी तब तक इससे मेरी ईएमआई कटती रहेगी। अब इनके वजह से मैंने 50,000 का एक लोन उठाया, वहां भी मैं फंस गया, वो पैसा भी मेरा जबरदस्ती का लोन मेरे सर पे चढ़ गया इनकी इनके फिक्स डेट देने की वजह से, और इनके वजह से मैं पूरा पूरा 1,00,000 के नीचे चला गया। 40,000 ये खा गया मेरा, 50,000 रुपए का मैंने लोन उठाया, 40,000 रुपए उसे ब्याज लग गया 2 साल का, होम ग्रेड से उठाया था तो उसका 28% का ब्याज लगता है आपको पता है, तो मैं सीधा सीधा 1,20,000 के नीचे चला गया। अभी ये बंदा को मैं पिछले 3 महीने से रेगुलर कह रहा हूँ कि सर आप फिल्म बनाओ चाहे ना बनाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे मेरा पेमेंट वापस दे तो बात खत्म हो जाती है। आपको बनवानी है आज बनाओ, कल बनाओ, 10 साल बाद बनाओ, चाहे अगले दिन ही बना लो, लेकिन मुझे नहीं करना आपके साथ काम, आप मेरा पेमेंट वापस कर दो। बस मेरा सीधा यही कहना है कि आप मेरा पेमेंट मुझे रिटर्न वापस करो, इससे पहले कि मैं मेरी गर्म बुद्धि टेढ़ी हो जाए और मैं कोई क्योंकि आप देखते हो कि आए दिन कोई ना कोई केस आता है पैसों को लेके, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी का कुछ कांड बैठ जाए जी। मैं भी क्योंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी एक लिमिट है सहने का हर चीज का जी जी, क्योंकि मेरे अगर लिमिट के ऊपर बात हो जाएगी तो मैं खुल के कहता हूँ मैं इसको जान से मार दूंगा जी जी, उसके बाद मैं थाने में बैठने के लिए तैयार हूँ जी, लेकिन इसको और ऐसा मारूंगा कि याद रखेगा जी जी जी। अच्छा आप नहीं खास कहाँ से हो, खास कहाँ से हो आप? एक्चुअली मैं मुंगेली से ही हूँ जी, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई जो है दिल्ली में हुई है, तो मैं दिल्ली कर रहा था उस टाइम, तो इनकी वजह से मैं अपनी जॉब सब छोड़ के वहाँ गया जी, और इनकी वजह से मतलब समझ लो मैंने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया जी जी। अब ये बंदा मेरा पैसा तक वापस नहीं दे रहा है, मेरा करियर भी इनके वजह से मैं डब गया, मैं एक बेफजल के कर्जों के नीचे चला गया जी जी। अब इस प्रेशर में मैं क्या कर सकता हूँ आप ही बताओ, इस प्रेशर में आप अपना बहुत दिनों से कर रहा हूँ। अच्छा आप उनको जब बोले कि सावधान छत्तीसगढ़ में मैं आप जाऊंगा ऐसा करके, तब वो क्या बोला था आपको? वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो भूल जाना अपना पैसा, मैं नहीं दूंगा बोल दिया था। अच्छा क्यों वो ऐसा बोला? अब उसकी फटरी होगी कि मेरा बदनामी होगा, क्योंकि वो लोगों से पैसा ले लेके एक शो ऑर्गेनाइज कर रखा, उसने सिंगिंग का कॉम्पिटिशन करवा रहा है जिसमें 1,000 रुपए एंट्री ले रहा है। अच्छा कौन से उसका नाम क्या है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन वाला था? एक दंत एंटरटेनमेंट के उस पे चले जाओ आप उनके पोस्ट पे, वहाँ पे आपको बहुत मिल जाएगा वो इस तरीके का, उन्होंने पोस्ट डाल रखा काफी दिनों से, शेयरिंग में चल रहा है जी जी। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अगर मेरे पास पड़ा होगा उसका तो जी। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे सबूत आप हमें दीजिए है ना, और साथ में आप अपना जितना पैसा दिए थे उसका डिटेल होगा आपके पास, आप जब ऑनलाइन दिए हो तो डिटेल ना मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट वो सारे चीज मुझे चाहिए, 1.5-2 साल पुराना स्टेटमेंट है चेक करना पड़ेगा, वो सारे चीज मुझे चाहिए, और सामने वाले का 2-4 पिक चाहिए मुझे है ना, और आपका भी 1-2 पिक आप अपना भी भेजना ठीक है जी। फिर इससे फायदा क्या, वैसे इससे फायदा कुछ है नहीं क्योंकि देखो सिर्फ आप उसको एक्सपोज ही करोगे, पेमेंट तो मेरे को मिलना नहीं, काहे नहीं मिलेगा भैया, कैसे मिलेगा? आप हिम्मत काहे हार रहे हैं, आप उनको पैसा दिया नहीं, हार रहा हूँ मैं, आप उनको पैसा दिया ठीक है श्याम भाई, हाँ श्याम भाई, लेकिन मेरा तरीका अलग है, मैं इसीलिए आपको पहले इन चीजों में नहीं खींचा था क्योंकि मैं टेढ़ा बंदा हूँ, जिसके लिए सीधा हूँ ना उसके लिए बहुत ज्यादा सीधा हूँ, लेकिन जब वो मेरे साथ कोई गलत करता है उसके लिए गलत हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। तो ठीक ये बंदा अपना मेरे लिए सब बाहर, ये बंदा कहाँ से है, कहाँ से है वो? ये अंबिकापुर से है, एक दंत एंटरटेनमेंट के नाम से इसका यूट्यूब चैनल भी है, एक भोजपुरी फिल्म बनाया था लेकिन उसको रिलीज नहीं कर पाया है, इसके पास पैसा है नहीं, मुझे इसकी डिटेल बाद में मिली हाँ। इसके बारे में हाँ। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं इसके साथ फंसता भी नहीं जी जी। मैं एक दो लोगों से पूछा था लेकिन उन्होंने बोला कि इसका कोई बैड रिकॉर्ड है नहीं, इसलिए मैं चलो दे देते हैं, बैड रिकॉर्ड होता तो मैं अगर सिंगल हिंट भी मिलता ना तो मैं नहीं मतलब वो करता जी जी, क्योंकि देखो मैं मेरे पापा मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, तो मजदूर बंदे का तो आप समझ सकते हो कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है हर चीजों को जी भैया जी जी। तो ये मेरा आखिरी कोशिश है, अगर पेमेंट अच्छा, दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा मैं ये चाहता हूँ भैया कि आप करना क्या चाहते हो, क्या मैं इसको एक्सपोज करूँ या ना करूँ?
बस इतना बता एक्सपोज तो आप कर दोगे, मैं एक्सपोज करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन देखो अगर आप एक्सपोज भी कर देते तो भी वो पैसा नहीं देगा, नहीं करोगे तो भी नहीं देगा। तो एक्सपोज करना ही उचित है, कम से कम अगला बंदा को ठगने से तो रुक जाए। हाँ बाकी लोग बच जाएंगे, मेरा यही है। ठीक है मैं आपको देता हूँ जो भी इसमें, एक बार मेरे को इस नंबर पे हाई लिख के भेज दो, मैं डिटेल देता हूँ जो जो मिलती है। बाकी जो पैसे का है वो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पूरा अकाउंट खंगालना पड़ेगा, 1.5-2 साल पुरानी स्टेटमेंट है। जी जी, तो सबसे पहले तो मैं उसको एक बार फिर से ले रहा हूँ लाइन में। नहीं वो उठाएगा नहीं, अब वो ब्लॉक कर देगा, नहीं उठाएगा। अरे नहीं उठाएगा तब की बात है, ये लास्ट 603 वाला है ना। हाँ आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। हेलो हेलो हेलो, वो वाकई में मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल चुका है या फिर वो अभी व्यस्त कर दिया है? लेकिन वो लगता है कि ब्लैक लिस्ट में। मैं आपको बोला ना वो ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, वो तुरंत ब्लॉक कर देगा। एक काम करो, मेरे दो नंबर ब्लॉक। मैं बताता हूँ आपको, आप अपना पिक ना दो, उसका पिक दो, जितना है उसका दिया, 4-5-10 एक दन वो एक दन, वो जो जो बनाया है वो सबका दो, सबको डालता हूँ उसका। ठीक है ना, क्योंकि भैया अगर वो जो खेल खेल रहे ना, खेलने दो उसको, देते हैं उसको बच्ची। चलिए ठीक है जी जी, चलिए ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे हाई लिख के भेज दो, फिर मैं आपको देता हूँ डिटेल। अच्छा क्या नाम बताया आप अपना, एक बार सेव कर लेता हूँ। मेरा नाम यश कुमार। यश कुमार मुगेली से है ना? जी जी जी, चलिए ठीक है ठीक है।